हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स क्यों ऐड करते हैं? तो मोस्ट ऑफ टाइम आपके टैबलेट की बल्कनेस बढ़ना चाहिए और उसका एक अच्छा अपीयरेंस आना चाहिए, इसके लिए हम लोग ऐड करते हैं। तो ये जनरली इनर्ट मटेरियल होते हैं और उसको हम लोग एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से है ये? सबसे पहले आता है डाइल्यूएंट, उसके बाद है बाइंडर एंड एडिजिव्स, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले है डाइल्यूएंट। अभी इनको हम लोग फिलर्स बोलते हैं एंड इनका काम क्या होता है कि आपके टैबलेट की साइज बढ़ाना। मोस्ट ऑफ टाइम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इन सर्टन मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम्स। तो ये हैंडल करने में हमें दिक्कत जाती है, इसके लिए हम लोग आपके फॉर्मुलेशन की साइज बढ़ाने के लिए हम लोग डाइल्यूएंट्स को ऐड करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, लैक्टोज है। लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टोज ये अनहाइड्रस फॉर्म में हम इसको ज़्यादातर से यूज़ कर सकते हैं। लैक्टोज का एक प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आता है अबाउट इट्स मिलार्ड रिएक्शन। अब मिलार्ड रिएक्शन क्या होती है? तो ये आपका जो हाइड्रस फॉर्म होता है, उस हाइड्रस फॉर्म जो होता है, वो हाइड्रस फॉर्म अमाइन कंटेनिंग ड्रग से रिएक्ट होता है और उससे एक डिसकलरेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। ये बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो दिस मिलार्ड रिएक्शन इज एसोसिएटेड विथ लैक्टोज। उसके बाद है STA-RX1500। तो ये STA-RX1500 क्या है? तो ये आपका डायरेक्टली कॉम्प्रेस स्टार्च है। मोस्ट ऑफ टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टली कॉम्प्रेस स्टार्च, जिसका एग्जांपल है STA-RX1500। इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो होता है 10%। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलाइज स्टार्च, जिसके ब्रांड आते हैं इंडेक्स एंड सेल्यू टैब। अभी ये जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च का पुअर फ्लो होता है एंड कॉम्प्रेशन भी पुअर फ्लो होता है, तो उसके बिकॉज ऑफ कंटेनिंग हाई मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज 11-14%। ध्यान में रखिए, स्टार्च में आपके 11 से लेकर 14% तक के मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसके लिए ये बेहतर होगा आप इसको वेट ग्रैनुलेशन में इसको यूज़ करें। नेक्स्ट है आपका माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। अब जब हम माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज की बात करते हैं तो उसका एविसेल नाम का ब्रांड आता है और ये एविसेल दो ग्रेड में मिलता है, PH-101 एंड PH-102। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाउडर ग्रेड ऑफ एविसेल। तो PH-101 इज ए पाउडर फॉर्म एंड PH-102 इज ए ग्रैनुलर फॉर्म। तो आप ध्यान में रखिए, वन पहले आता है और टू बाद में आता है। तो 101 पहले पाउडर बनती है और पाउडर से हम बाद में ग्रैनुल्स बनाते हैं। तो PH-101 ये पाउडर है और PH-102 ये ग्रैनुल्स से बाद में फॉर्म होते हैं। अभी इसी को हम लोग एज ए डिसइंटीग्रेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 10-25%। तो ये आपका MCC है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कभी कभी आप मैनिट्रॉल को भी एज ए डाइल्यूएंट यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ पे एज ए डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये स्वीटनिंग एजेंट करके भी काम करता है। उसी तरह एक सस्ता मिलता है सॉर्बिटॉल, उसके बाद सुक्रोज, जिसके ब्रांड नेम आते हैं शुगर टैब, डाइपैक एंड न्यू टैब। नेक्स्ट इज डेस्ट्रोज। तो ये हो आपके डाइल्यूएंट्स। अभी आपने आपकी फॉर्मुलेशन को, टैबलेट की साइज तो बढ़ा ली है, अभी क्या आपकी टैबलेट एक मजबूत बनना चाहिए, मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन में, हैंडलिंग कंडीशन में टूटना फूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग कुछ बाइंडर्स या एडिजिव मटेरियल को ऐड करते हैं इन वेट और ड्राई ग्रैनुलेशन, ताकि आपका एक कॉम्पैक्ट कोहेसिव मास बने। ये जल्दी इसका जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए इन ऑर्डिनरी कंडीशंस। एग्जांपल देखते हैं, एकेशिया है, गम ट्रैकाकंद है,
उसका सॉल्यूशन 10-25% कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इवन आप सेलुलोज होगा आपका, सेलुलोज में आपका मिथिल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज को भी यूज़ कर सकते हैं। जिलेटिन विच इज़ जनरली यूज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10-20% ग्लूकोज, बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी यूज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 50% कॉन्सेंट्रेशन। पीवीपी 2% कॉन्सेंट्रेशन, स्टार्च पेस्ट 10-20% कॉन्सेंट्रेशन और सोडियम अल्जिनेट या सॉर्बिटॉल को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए बाइंडर्स एंड एडिजिव। तो इतने सारे बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका डिसइंटीग्रेंट। अभी ठीक है, आपका एक अच्छा मास बन गया है, कोहेसिव मास बन गया है, लेकिन ये मास स्टमक में जाने के बाद क्या होना चाहिए, इसका डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए, ये टूटना चाहिए ताकि वहाँ से वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो इसके लिए हम लोग टैबलेट में कुछ डिसइंटीग्रेंट भी डालते हैं जो स्टमक में जाने के बाद पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल होके इसका आपके टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन करता है, टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्जन करता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेंट। एग्जाम्पल आपके स्टार्च, इसे पहले देखा हम लोगों ने, 5-20% ऑफ द टैबलेट वेट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टार्च डेरिवेटिव है, जिसके एग्जाम्पल प्राइमोजेल और एक्सप्लोटैब है। नेक्स्ट है आपका क्लेस, वीगम एचपी या बेंटोनाइट, आपको ऐसे पता ही कि बेंटोनाइट सेल होता है तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेलुलोज होगा या सेलुलोज के डेरिवेटिव होंगे, ये ध्यान में रखिए। एसी डाइसॉल इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव, इसमें सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेलुलोज होता है। उसके बाद अल्जिनेट होगा या पीवीपी होगा, तो ये सभी आपके डिसइंटीग्रेंट हैं। नेक्स्ट है सुपर डिसइंटीग्रेंट। आप सुपर वर्ड कब यूज़ करते हैं हम लोग? सुपर वर्ड तब यूज़ करते हैं जब ये कुछ नॉर्मल से ज़्यादा काम करता है। जैसे सुपर वर्कर, मतलब वर्कर तो नॉर्मली काम करता ही है, लेकिन सुपर वर्कर क्या करता है? नॉर्मल वर्कर से ज़्यादा काम करता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये सुपर डिसइंटीग्रेंट आपके डिसइंटीग्रेशन, मतलब ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन का काम करता है, ऐसे लिखा है वहाँ पे। ये क्या करता है? स्वेल अप टू 10-fold विद इन ओनली 30 seconds, मतलब सिर्फ 30 seconds के अंदर ये 10 times फोल्ड होता है। मतलब अगर आपका 1 ml का डिसइंटीग्रेंट है और ये पानी कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो इसका वॉल्यूम विद इन ओनली 30 seconds 10 ml तक के बढ़ेगा। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है क्रॉस कार्मेलोज जो कि क्रॉस लिंक सेलुलोज है, और दूसरा है क्रॉस पोविडोन जो कि क्रॉस लिंक्ड पोविडोन है। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट्स। अब ये यूज़ क्यों करते हैं? दे आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एडिजन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू सरफेस ऑफ डाइज एंड पंचेस। मतलब हम लोग जब टैबलेट का कॉम्प्रेशन करते हैं तो हमारे टैबलेट का मटेरियल डाइज और पंचेस को एडहेयर नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट इज दैट ग्लाइडेंट जो होते हैं, ग्लाइडन दो पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन कम करते हैं। अब ये दो पार्टिकल के बीच में, उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल वी कैन से फ्रिक्शन कम करते हैं। तो ताकि क्या होगा, ताकि आपके ग्रैनुल्स का या पाउडर का फ्लो अच्छा होगा, तो इसको हम फ्लो प्रोमोटर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट के एग्जांपल जैसे दिए हैं। अब ये लुब्रिकेंट क्या करता है? तो लुब्रिकेंट उसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपके डाइस और पंचेस के बीच में और आपके पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्लाइडेंट्स और लुब्रिकेंट के बीच में। एग्जांपल देखिए, स्टेरिक एसिड सॉल्ट लाइक मैग्नीशियम स्टेरेट या टॉक या पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल और सभी सर्फेक्टेंट्स ये लुब्रिकेंट के एग्जांपल हैं। ग्लाइडेंट के एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, तो कॉर्न स्टार्च है, टॉक इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5%, सिलिका डेरिवेटिव, कोलाइडल सिलिका लाइक क्या ओसिल या साइलाइड या एरोसिल इन ओनली 0.25-3% कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइदर लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट, तो तीन ऑप्शन बाकी होंगे, एक ऑप्शन आपके लुब्रिकेंट्स का या ग्लाइडेंट का होगा। नेक्स्ट है आपके फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर च्यूएबल टैबलेट्स टू गेट दी फ्लेवर, तो हम लोग फ्लेवर ऑयल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके स्वीटनिंग एजेंट्स, जो हम लोग च्यूएबल टैबलेट में यूज़ करते हैं, शुगर होगा या आपका मैनिटॉल होगा। मैनिटॉल को काफ़ी यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है
कि इसका नेगेटिव हीट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, उसके बाद इसका स्लो सोलिबिलिटी होता है और प्लीजेंट फीलिंग इन दी माउथ होता है। तो इसके कारण हम इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सर ये मेंटल जो होता है वो महंगा होता है, इसका